युगों युगों से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आज 18 जनवरी 2020 दिन शनिवार, माघ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज अष्टमी तिथि सुबह 5:33 तक रहेगी और उसके पश्चात नवमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से लेकर 12:53 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 9:53 से लेकर 11:12 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। आइए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज व्यापार में आपको हानि होने की संभावना दिखाई दे रही है। सरकार की ओर से भी किसी नियम कानून में परिवर्तन के कारण आज आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है। आज अपने मन में दूसरों की खुशियों को देखकर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो सकता है, परंतु आपको अपने मन पर और अपने विचारों पर काबू रखना है और जो भी खुशियां भगवान ने आपको बख्शी है उनके लिए धन्यवाद देकर अपने जीवन में प्रगति करने के लिए परिश्रम करने में जुट जाना है। आज यदि आप अपने पितरों के नाम पर दूध का दान करते हैं या दूध बांटने की व्यवस्था करते हैं तो इससे आपको शुभ फल प्राप्त होगा। आज आप अपने घर के बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद प्राप्त करके जिस भी काम को आरंभ करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। आइए अब जानते हैं कि आज का दिन वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज भाग्य आपके एकदम विपरीत है, जिस कारण आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाएंगे। प्रिय भक्तगणों, यदि आपको ऐसा लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं देता है और भरसक कोशिशों के बाद भी आपको अपनी मेहनत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणी से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपका भाग्य उदय हो जाएगा और आपको अपनी मेहनत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स को भी आज पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। आज आपको अपने छोटे भाई बहनों की सेहत का भी ध्यान रखना है और उनका मार्गदर्शन करने में आपको अपना योगदान देना है। आज आप जिस भी काम को आरंभ करें उससे पूर्ण अपनी माता जी का आशीर्वाद अवश्य लें, इससे आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। वृषभ राशि वालों, अगर आपकी आमदनी नहीं हो रही है या आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज पितृ पक्ष की ओर से आपको कोई अशुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। आज आप कोई भी कार्य करें तो उसे पूर्ण एकाग्रता के साथ करें, क्योंकि यदि आज आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वह कार्य अधूरे रह जाएंगे।
या आपको उनमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। आज लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि रक्तचाप गिरने से आज आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। आज डिनर में दही और पनीर का प्रयोग अवश्य करें। लव लाइफ के मामले में आज आपका दिन अच्छा बीतेगा और आपके पार्टनरों के संबंध में मधुरता आएगी। यदि आज आप अपने पार्टनर का दिल जीतना चाहते हैं और उसके लिए कोई भी प्रयास करते हैं तो आज आपको उसमें भरपूर सफलता प्राप्त होगी। आपका आज राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आलस्य आपको घेर लेगा, जिस कारण आप हाथ आई अपॉर्चुनिटीज को भी गवा बैठेंगे। आज लोहा, कोयला और लकड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। आपको आज अपनी जुबान पर भी काबू रखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आज आप अपने घर के ही बेल खोल दें या किसी को अपने बिजनेस सीक्रेट्स बता दें, जो बाद में चलकर आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आज यदि आप लालच करते हैं तो आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। गायन वादन के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए भी आज का दिन शुभ नहीं है। आज यदि आप अपने घर या ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो दूध से भरा हुआ घड़ा अपने घर या ऑफिस के मुख्य द्वार के बाहर रखें, इससे आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आपका आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसे रहने वाला है। आज नया घर या वाहन खरीदने के लिए आपका दिन शुभ नहीं है। जो भी लोग टैक्सी या सवारी गाड़ी के व्यवसाय से संबंध रखते हैं, आज उनको कारोबार में घाटा हो सकता है। आज आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। आज सफेद कुत्ते की सेवा करना आपके लिए शुभ कार्य होगा। आज आप अपने दादाजी या अगर आपके पोता पोती हैं तो उनके साथ मिलकर यज्ञ करें, इससे आपको चंद्र देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई में पूर्ण रूप से ध्यान दे पाएंगे और उनको सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने सपनों की कार जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही पहननी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज छात्रों को पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और डिफिकल्ट सवालों में उलझकर आज वे अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। छात्रों को आज जरूरत है कि वे डिफिकल्ट सवालों के पीछे ना भागे और पुराने क्वेश्चंस और सब्जेक्ट्स को ही रिवाइज करें और उनको मजबूत करने की कोशिश करें। आज आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है और आपकी सभी अटके हुए काम बन जाएंगे, परंतु खर्चा बढ़ने से आज आपको थोड़ा मानसिक तनाव भी हो सकता है। आज तोते की सेवा करना और उसको दाना डालना आपके लिए शुभ होगा। कन्याओं को आज भोजन कराने से भी आपको बुद्ध देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम
जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। आज चांदी के व्यापारियों को विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। आज आपको अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत करना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेना चाहिए। आज आपकी बहन का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, इसलिए उनका ख्याल रखें। आज आपके परिवार की स्त्रियों की सहायता से आपके सभी रुके हुए काम बन जाएंगे। आज सफेद रंग की गाय की सेवा करना भी आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। यदि आज आपके घर में कोई टूटी हुई केतली या खराब मिक्सी रखी है तो उसे तुरंत ही घर से बाहर फेंक दें। मैं आज आपका भाग्य देखते हुए आपको 4 स्टार देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज वर्क प्लेस पर हालात आपके विपरीत हो सकते हैं और आपके सहकर्मी ही आपके कार्यों में बाधा डाल सकते हैं। आज आपके पिताजी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, इसलिए उनका ध्यान रखें। आज आप अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य आरंभ करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप पूर्ण रूप से तरोताजा महसूस करेंगे। आज आपके द्वारा दी गई सलाह से आपके मित्रों का भला होगा। आज आप अंडा, मीट, मुर्गा, शराब इत्यादि के सेवन करने से बचें। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपको संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपको अपनी बुआ के घर से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज जरूरत से अधिक बोलने के कारण आप अपमानित भी हो सकते हैं, इसलिए अपने काम से काम रखें और दूसरों की बातों में दखल अंदाजी करने से बचें। आज आपको अपने व्यवसाय में लाभ प्राप्ति होने की संभावना दिखाई दे रही है और आज आपके लिए इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। आज आपको अपने कस्टमर्स को खुश करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी कस्टमर्स आपके पास आएंगे वे पूरी जिंदगी आपसे जुड़े रहेंगे। आज आप हरे रंग के कपड़ों को धारण करने से परहेज करें। आज आपको कुंवारी कन्याओं को अपने घर में आमंत्रण देकर उनको भोजन कराना चाहिए, इससे आपको बुध देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आपको अपने कार्यों में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद भी किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है तो किसी हनुमान मंदिर जाएं और नींबू का ये उपाय करें। उपाय के अनुसार अपने साथ 1 नींबू और 4 लौंग लेकर जाएं। इसके बाद मंदिर में हनुमान जी के सामने नींबू के ऊपर 4 लौंग लगा दें, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी से सफलता दिलवाने की प्रार्थना करें और वह नींबू अपने साथ रखकर कार्य करें। मेहनत के साथ ये आज अपना कार्य को करने से आपको उसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्टूडेंट्स को आज उनकी पढ़ाई के मामले में उत्तम फल प्राप्त होंगे और उनकी मेहनत सफल हो जाएगी। आज यदि स्टूडेंट्स कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन उत्तम है। आपके विदेश जाने के योग भी आज प्रबल हैं और इस विदेश यात्रा से आपको धन की प्राप्ति होगी। वर्क प्लेस पर आज आपको अपने सहकर्मियों का साथ भी मिलेगा और आपकी कार्य कुशलता के लिए आपको बहुत से वाहवाही भी मिलेगी। आज किन्नरों को दान देना और उनकी सहायता करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का
आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपकी लव लाइफ के मामले में आपका अपने पार्टनर से झगड़ा हो सकता है और आपसी मनमुटाव होने के कारण आज आपका मन अशांत रहेगा। आज आपके अपने पार्टनर को मनाने के सभी प्रयास विफल हो जाएंगे और वे आपसे नाराज ही रहेंगे। प्रिय भक्तगणों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके आए दिन अपने लाइफ पार्टनर के साथ झगड़े होते रहते हैं और गृहस्थी में हर समय अशांति का माहौल बना रहता है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणी से अपनी और अपनी पार्टनर की कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जो आपके गृहस्थ जीवन को सुखद बना देंगे। आज आप अपने व्यवसाय में मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे और आज आपकी इनकम भी बढ़ेगी, परंतु यदि आप दूध चांदी से संबंधित व्यापार करते हैं तो आज आपको उसमें धन हानि को सामना करना पड़ सकता है। आज रात को आपको दूध पीने से भी परहेज करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या आप अपने आप को अनलकी महसूस करते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। आइए अब जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। लव लाइफ के मामले में आज आपको सोच विचार कर ही कुछ कहना चाहिए, अन्यथा बेवजह ही आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। आज आपको अपने भाइयों की सहायता प्राप्त होगी और यदि आप आज अपने भाई के साथ मिलकर कोई भी कार्य करते हैं तो इससे आप दोनों का भाग्य चमक उठेगा। आज आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, परंतु स्टूडेंट्स आज कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट ना करें अन्यथा वह अधूरा ही रह जाएगा। आज यदि आप झूठ बोलते हैं तो इससे आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। आपका आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।